हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 की पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको MPSI और MP पुलिस कांस्टेबल दोनों की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि MP परीक्षा ऐप आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको MPSI और MPGK MP कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। वहाँ पे आप अगर आप हमारा CUR ऐप GOV40 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी 40% की। तो जाके आप वो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके जो पूरे डाउट हैं उन सभी डाउट को एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे कब भर्ती आने वाली है, कब इसका फॉर्म आएगा, कब इसके पेपर होने वाले, इस तरह की सारी जानकारी आपको पूरी डाउट आपका इसमें वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला तो डाउट ये आ रहा है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल के हैं तो आपको मिनिमम 10th पास मांगेगा। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको मिनिमम 12th पास मांगेगा। आपका मिनिमम 12th पास होना चाहिए अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भरते हैं। और अगर MPSI की बात कर लूँ दोस्तों, तो MPSI में आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो डाउट में रहते हैं कि क्या हम फाइनल ईयर में तो फॉर्म भर सकते हैं, तो PV इसका फॉर्म अगर कराता आया अभी तक तो फाइनल ईयर वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, इसमें पूरी तरीके से ग्रेजुएशन मांगता है। तो ये आपको पूरा पहला डाउट मैं क्लियर कर दिया। पेपर कौन कराएगा, पुलिस विभाग या PEB, इसको लेकर सबसे बड़ा डाउट अभी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी बता दूं कि यहाँ पे जो पढ़ला बहुत ज़्यादा भारी है कि यहाँ पे इस बार का जो पेपर है दोस्तों, वह पुलिस विभाग कराने वाला। तो यहाँ पे 2-3 जो न्यूज़ आई हैं, जो कि अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से बताया गया है, कि और कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस भी मिले हैं जिसमें पुलिस विभाग द्वारा सूची के लिए भेजा गया है थाने पे, तो उस तरह का कुछ ऑफलाइन पेपर्स भी देखे गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं कि सारी बेसिक सी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे टॉयलेट होना चाहिए, लॉकर रूम, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वहाँ पे वो पुलिस सेंटर बनाएंगी। तो यहाँ पे कोई भी पेपर कराए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आपको 1 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि जो जनवरी होने वाला, इसमें आपको पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन 100% दोस्तों आपको मिल जाएगा कि इसका पेपर कब होना है। तो आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये मत सोचिए कि पुलिस विभाग करा रहा है या फिर MP PV कराएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुमान यही है कि इस बार पुलिस विभाग कराएगा। तो पहले फिजिकल होगा या लिखित परीक्षा, तो ये भी डाउट है। तो एकदम क्लियर, एकदम 100% मैं आपको क्लियर बता दूँ, जब पुलिस विभाग भी कराएगा इसको या PV भी कराएगा, तो सबसे पहले इसका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने के बाद 100 मार्क्स का जो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका, दोनों में, पुलिस कांस्टेबल हो या फिर MPSI हो, दोनों में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद फिजिकल होता है। और उसके फिजिकल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जो कि मैं आपको एक बड़ा सा वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, तो दोस्तों यहाँ पे पेपर अगर PV कराती है तो पेपर 100% ऑनलाइन होगा, और अगर पुलिस विभाग कराती है तो पेपर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इसका सिलेबस होने वाला दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सिलेबस में क्या डिफरेंस आएगा, तो दोस्तों सिलेबस सेम होने वाला है। सिलेबस जो चेंज होता है दोस्तों, वो सिर्फ MPSI के एग्जाम के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है मैं ये बता दूं, जो MPSI का एग्जाम अगर पुलिस विभाग कराती तो पहले के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि 200 मार्क्स का होता था, और ये जो पेपर होते थे दोस्तों, वो 2 शिफ्ट में होते थे, यानी कि पहला शिफ्ट जो होता था उसमें आपकी GS पूछी जाती थी, और दूसरा शिफ्ट जो होता था दोस्तों, उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश 100 क्वेश्चन उसके होते थे, और 100 क्वेश्चन में आपके दोस्तों 10 मार्क्स के समथिंग मैथ्स आता था। तो जो मैथ्स का पोर्शन था वो कम था, यानी कि रीजनिंग एप्टीट्यूड सब मिला के मैथ्स 10 से 15 नंबर की आती थी, और बाकी चीज़ें जैसे MPS GK और बाकी जो पोर्शन था वो ज़्यादा रहता था, 10 से 15 क्वेश्चन ही मैक्स टू मैक्स मैथ्स के आते थे। तो अगर इस बार भी पुलिस विभाग कराता है तो मैथ्स के शायद आप, हो सकता है कि ये सिलेबस भी चेंज भी कर सकते हैं, बट पुलिस विभाग यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन कम देता था। ये सिर्फ MPSI के कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी अगर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता वो बिल्कुल सेम सिलेबस रहता था जैसे PV अभी कराती है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता था, और वो एक ही शिफ्ट में पेपर होता है MP पुलिस कांस्टेबल का। MPSI का पेपर जब पुलिस विभाग कराती है तो 2 शिफ्ट में होता है, और उन सबके सारे ऑफलाइन पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको जल्द से जल्द उसका वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे मैं बाहर था तो आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करें।